हस्तमैथुन हाथ से करना, मुट्ठी मारना, हैंड प्रैक्टिस करना, ये जो है ये क्यों नहीं करना चाहिए या इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके मिथ्स क्या है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हैंड प्रैक्टिस या हस्तमैथुन या मुट्ठी मारना, इसका मतलब ये होता है कि खुद ने खुद को सेक्सुअली सेटिस्फाई करना, अपने हाथ से अपने पेनिस को स्टिम्युलेट करना, रब करना, घर्षण करना, जिससे बहुत अच्छा लगता है, डोपामिन का सिक्रीशन दिमाग में होता है, एक सेक्सुअल आनंद आता है, सेक्सुअल एक्सपीरियंस आता है और उसमें इजैकुलेशन होता है और एक वो सेक्सुअल एक्टिविटी है। तो वैसा कुछ गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। मास्टरबेशन कोई गलत नहीं है, नॉर्मली लोग करते रहते हैं। और आपने स्टैटिस्टिकली देखा तो रिसर्च ऐसा बताती है कि 14 से 17 साल के उम्र में जो बच्चे हैं वो 74% लोग हस्तमैथुन करते हैं, लड़के, और 48% महिलाएं, लड़कियां, वो हस्तमैथुन करती है, मतलब लड़कियां भी करती है हस्तमैथुन। और 57 और 63 साल के बीच में पुरुष जो है वो 63% पुरुष हस्तमैथुन करते हैं और 35% औरतें हस्तमैथुन करती है। तो फिर जब आधी दुनिया हस्तमैथुन कर रही है तो क्या वो क्या गलत हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं, गलत हो ही सकता नहीं है। मगर हमारे बाबा महाराज, नीम, हकीम, अलग अलग पैथीज के लोगों ने इसके बारे में बहुत भ्रम फैला के बैठा हुआ है। और वो भ्रम ऐसा है कि हस्तमैथुन गलत है, हस्तमैथुन बुरा है, हस्तमैथुन अच्छा नहीं है। हमारे धार्मिक अधिष्ठान है उसको, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, ऐसा इसमें उसको बैन किया गया है पहले से, सालों से। और वो अंग्रेजों ने जानबूझकर वो डाला हुआ है हमारे भारतीय लोगों में। अभी इसमें लोगों में क्या भ्रांतियाँ हैं, मिथ्स क्या है कि हस्तमैथुन, अभी मेरे पास में एक आया था, उसको आँखों से कम दिखाई दे रहा था और वो आया कि भाई मैं मास्टरबेशन का शिकार हूँ और मुझे आँखों से कम दिखाई दिया, तो उसका इलाज करो, मास्टरबेशन बंद करना है। तो उसको मैंने बोला भाई ब्लड टेस्ट कर, तो शुगर निकली उसको और शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से उसको आँखों में कम दिखाई दे रहा था। तो लोग बोलते हाथ से करते तो हाथ के ऊपर बाल आ जाते हैं, फिर हस्तमैथुन से खून जो है वो कम हो जाता है, हस्तमैथुन से वीर्य पतला हो जाता है, हस्तमैथुन से नपुंसकत्व आता है, हस्तमैथुन से बच्चे फिर आगे चल के पैदा नहीं होते, इनफर्टिलिटी होती है। वीर्य यदि रोक दिया, वीर्य गमाया नहीं, रोक दिया, तो वीर्य ब्रेन में जाता है और वहाँ से फिर हमको जो जोश, मेंटल एनर्जी मिलती है तो वो कम हो जाती है यदि हस्तमैथुन से वीर्य बाहर निकाल दिया। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हस्तमैथुन किया तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, और ब्रह्मचर्य यही जीवन है, वीर्य नाश यही मृत्यु है, ऐसी भ्रांतियाँ लोगों में है। एक बूंद वीर्य का ये 80 बूंद खून के बराबरी का होता है, ऐसा बोलते हैं लोग। और फिर यदि आप इतने बूंद का वीर्य नाश करते हो तो कितना खून चले गया और कितनी कमजोरी आपको आ सकती है, ऐसा भी बोला जाता है। लिंग टेढ़ा होता है, लिंग छोटा होता है, लिंग दुबला होता है, लिंग पतला होता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, ऐसे अलग 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 भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में हस्तमैथुन के बारे में है और वो जानबूझ के डाली हुई है। और फिर यदि हस्तमैथुन ठीक करना है तो भाई आ जाओ हमारे पास में, हम आपको आपका इलाज करेंगे और बहुत पैसा खर्चा करने लगाएंगे। हस्तमैथुन एक्चुअली नॉर्मल है। लोग बोलते नहीं हस्तमैथुन किया तो दिमाग में कमजोरी आती है, लोग बोलते मुझे बहुत वीकनेस आ रहा है, कमजोरी आ रही है, याद नहीं रहता आजकल, और ये हस्तमैथुन की वजह से हो रहा है, शारीरिक कमजोरी आई हुई है, ऐसे अनेक प्रॉब्लम्स लेके लोग मेरे पास में आते हैं। एक्चुअली हस्तमैथुन यह नॉर्मल है, वीर्य जाने से, बाहर निकलने से कुछ भी कमजोरी आती नहीं है, वीर्य गवा देने से कुछ भी होता नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता है, नॉर्मल है वो। मगर वो इतनी फर्म बिलीफ लोगों के दिमाग में है कि वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। लोग बोलते नहीं वो टेढ़ा हो गया लिंग हस्तमैथुन की वजह से हो गया। अरे भाई 50 से 60% लोगों का लिंग थोड़ा सा इधर कर्वेचर रहता है, नॉर्मल, वो हस्तमैथुन से नहीं हुआ है, वो नॉर्मल है। और 10-20% इधर उधर हो गया तो चलता है, उसमें कुछ होता नहीं। हाँ एकदम ही ऐसा हो गया बिल्कुल टेढ़ा, पायरोनिस डिसीज जिसको बोलते हैं, उसका इलाज करना होगा। तो फिर हस्तमैथुन नॉर्मल है तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स क्या, वो देखना पड़ेगा। फिर साइड इफेक्ट भी तो है, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं ऐसा भी नहीं है, तो साइड इफेक्ट्स क्या है फिर हम देखेंगे। वो साइड इफेक्ट में ये होता है कि भाई लोगों को ये लगता है भाई हस्तमैथुन गलत है, हस्तमैथुन करना ठीक नहीं है, जब दिमाग में और हस्तमैथुन तो कर रहे हैं तो उसमें गिल्ट आता है और लोग डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, बहुत ही बुरा लगता है, खुद के बारे में खुद का मन अच्छा नहीं बोलता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, स्व प्रतिमा मलिन होती है,
और फिर गिल्ट आ गया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, फिर डाउन, दिमाग में वही वही विचार, फिर काम में मन नहीं लगना, फिर भूल जाना, वो एक्चुअली हस्तमैथुन से नहीं हो रहा है, वो बिलीव सिस्टम जो है उससे हो रहा है। वो तो वो जो डिप्रेशन है वो सबसे खतरनाक है, वो प्रॉब्लम है नंबर एक। नंबर दो, हस्तमैथुन जब आप करते हो तो लोग कड़क फ्लोर के ऊपर, मतलब आप बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर घिसके कर रहे हो तो इंजरी हो जाएंगी पेनिस को, कोई हार्ड वस्तु जो उसके ऊपर घस रहे हो तो हो जाएंगी, औरतें वजाना में कोई हार्ड वस्तु डालती है तो वजाना में इंजरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा घसेंगे तो इंजरी पेनिस को हो सकती है। तो पेनिस को इंजरी होना ये स्वाभाविक है और उससे प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन होगा। तो हस्तमैथुन करने के समय कभी भी लूब्स, लुब्रिकेंट्स का वापर करना चाहिए, तेल का वापर करना चाहिए, ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा, घर्षण ज़्यादा होगा और ज़्यादा घस घस के इंजुरी नहीं होगी, जख्म नहीं होगी। और जब औरतें जब करती है तो सेक्स टॉयज का वापर करके करना चाहिए हस्तमैथुन, क्लाइट्रल स्टिमुलेशन से हस्तमैथुन करना चाहिए औरतों ने, ताकि इंजुरी नहीं होगी, नंबर एक। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर पहला मैंने बताया गिल्ट फीलिंग, डिप्रेशन आना, सुसाइड के विचार, नंबर दो जो है वो इंजुरी, नंबर तीन जो है वो है डिक्रीज सेक्सुअल सेंसिटिविटी, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है हस्तमैथुन से। ये क्या होता है, देखो लोगों को जब हस्तमैथुन करते हैं ना तो एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, हो गया, अब उसको लगता है कि और करना चाहिए, फिर वो तीसरी बार करता है तो स्टिमुलेशन इतना होता नहीं है, फिर वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा दबाएंगा, जोर से दबाएंगा, कस के दबाएंगा, कस के घसेंगा, ताकि ज़्यादा एक्साइटमेंट आएगा, और फिर कस के दबा के, कस के घस के वो हस्तमैथुन करेगा। अब क्या हो रहा, उसकी आदत। अब इसके बाद में ऐसा होता है कि जब तक ये टाइट नहीं है तब तक उसको एक्साइटमेंट ही होगा नहीं, धीरे 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 ऐसा हो जाएगा, वो टाइटनेस जितना ज़्यादा उतना एक्साइटमेंट आएगा। अब वो नॉर्मल करेगा शादी के बाद में तो नॉर्मली इतना टाइट होता नहीं है, और फिर नॉर्मल यदि टाइट होता है तो उसको मज़ा नहीं आती है, फिर बोलेंगे भाई मैं पत्नी के साथ में सेक्स करता हूँ, मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रही है, एक्साइटमेंट नहीं, घर्षण नहीं, इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, फिर वो हाथ से करेगा और औरत से डालेगा तो फिर और नए प्रॉब्लम, बोलिए क्या हो रहा है, आप सेक्स ही नहीं कर रहे। तो उसको ज़्यादा मजा शादी के बाद में भी हस्तमैथुन में आता है, जो बहुत दबा के, बहुत प्रेस करके, फ्रिक्शन करके करेगा, और सेक्स ही नहीं करेगा तो प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, डिक्रीज सेक्सुअल सेंसिटिविटी। चौथा जो प्रॉब्लम हस्तमैथुन का वो है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में वो परिवर्तित हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि एक बार क्या अच्छा लगा, दो बार क्या अच्छा लगा, जिनको ऑब्सेशन है ना पहले से विचार, तो उनको वो बार 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 विचार आना शुरू होता है कि करो 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 करो, और वो तीन बार, चार बार, पांच बार, मैंने ऐसे लोग देखे छः छः बार, सात सात बार, आठ आठ बार दिन भर में कर रहे, इच्छा भी नहीं है, तभी वो विचार आता है और वो करने के बाद में उनको अच्छा लगता है, वैसा उसमें कोई मजा नहीं आ रही है करने में, क्योंकि करने में अभी जख्म हो रही है, जख्म हो रही है, खून आ रहा है, तभी भी कर रहे वो घिस घिस के, क्योंकि विचार इतने आ रहे हैं, अभी उनका परिवर्तित हो गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, तो एक प्रॉब्लम है। चौथा, पांचवा जो है प्रॉब्लम हस्तमैथुन से वो है कि लोगों को शीघ्र पतन की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। वो कैसी होती है कि हस्तमैथुन के लिए समय नहीं है, जल्दी जल्दी करो, लेटरिन में करो, बाथरूम में करो, घर में समझो कुछ थोड़ा समय मिल गया फटाक से कर लो, निकाल लो, और बार 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 ऐसा करेंगे तो एक कंडीशनिंग बन जाती है और उससे प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है और वो बाद में शादी के बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। छठवा जो है जो प्रॉब्लम होता है हस्तमैथुन से वो होता है कि भाई डिक्रीज सेंसिटिविटी टू पीपल, मतलब पार्टनर के साथ में, लोगों के साथ में, क्योंकि यदि वो उसमें गुता हुआ है तो पार्टनर के साथ में सेक्स नहीं करेगा, रिलेशनशिप अच्छी नहीं बनेगी, अकेले अकेले घर में रहना, शादी होने की है तो अकेले रहेगा, अकेले उसमें गुता रहेगा, वो लोगों के साथ में रिलेशनशिप नहीं बनेगी। तो ऐसा बोला जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, बहुत ज़्यादा हो गया तो नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम वो है। सातवां जो प्रॉब्लम है मेंटल स्ट्रेस टेंशन, कि बहुत ज़्यादा करने से बहुत टेंशन आ जाता है और टेंशन से फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन आ गया तो उससे मानसिक बीमारी हो सकती है। मतलब देखो उससे प्रॉब्लम ऐसे नहीं है हस्तमैथुन से, आधी जनता करती है, दुनिया के आधी लोग हस्तमैथुन करें, आधे लड़कियाँ लड़के सब करते हैं, मगर प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम यदि आप जानते होंगे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं तो हस्तमैथुन लूब्स का वापर करके, लुब्रिकेटिंग क्रीम का वापर करके, खोबरेल तेल है उसका वापर करके, या ऐसा कुछ भी, और फिर कुछ भी नहीं मिला तो लोग थूक लगा के करते हैं, क्योंकि थूक में जो है ना स्टिकीनेस रहता है तो घर्षण कम होगा, तो भी करते हैं। अब तीसरा जो है, मैंने पहले बताया कि भाई हस्तमैथुन की गलत फहमियाँ क्या हैं, ये मैंने पहला पार्ट कवर किया, दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूँ हस्तमैथुन से साइड इफेक्ट्स क्या है। अब तीसरा है हस्तमैथुन कवर क्यों करना चाहिए। हस्तमैथुन मैंने बताया पहले सभी लोग करते हैं, लड़के लड़कियाँ करते हैं, शादी के पहले सभी लोग करते हैं, क्योंकि शादी के पहले
अपना हाथ जगन्नाथ, हम बोलते हैं ना हिंदी में अपना हाथ जगन्नाथ, बोले तो क्या है, ऐसी कहावत है कि भाई अपना हाथ ही जगन्नाथ है, अपने हाथ से ही करो और शांति करो। तो फायदा क्या है कि भाई बाहर जाने की इच्छा नहीं होगी, वेश्या के पास में जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप घर में आपको अच्छा लग रहा है शांति से, और वो जो एक्साइटमेंट है वो आप शांत कर रहे हैं, आपका पढ़ाई में ख्याल रहेगा, काम में ख्याल रहेगा, क्योंकि आपकी जो सेक्स भूख है, सेक्स की भूख वो शांत हो रही। फिर तीसरा हो सकता है कि शादी के बाद में प्रेग्नेंट है औरत, प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने नहीं बोला हुआ है, तब लोग हस्तमैथुन करते हैं। पत्नी को, पत्नी बाहर गाँव गई हुई है, या दोनों अलग अलग रह रहे हैं कुछ कारण से, सेपरेशन है तो हस्तमैथुन करते हैं, क्योंकि 8-8 दिन 15-15 दिन मिलते नहीं है तो फिर हस्तमैथुन करते हैं। दोनों भी लोग म्यूचुअली हस्तमैथुन करते हैं, मतलब पति पत्नी साथ में सोए तो दोनों एक दूसरे का हस्तमैथुन करते, दोनों एक दूसरे को आनंद देते, एक अलग तरह का आनंद वो लेना चाहते हैं लोग तो वो ले सकते हैं। वाइफ बोलती कि नहीं अपना मूड नहीं है, पति को लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, अभी बोलती कि मेरा मूड नहीं है, मैं थक गई हूँ और इसकी इच्छा हो रही है, फिर अभी क्या करना है, फिर करो हस्तमैथुन करो और अपने आप को शांत कर लो। तो ऐसे अलग अलग है, सिर्फ इतना ही है कि आप यदि उसको फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं करते हो, घसते ज़्यादा नहीं हो, आप कंडोम लगा के हस्तमैथुन कर सकते हैं ताकि ज़्यादा मतलब घर्षण नहीं होगा और मतलब जख्म होने के चांसेस कम है यदि कंडोम लगाए तो। वाइब्रेटर लगा के करते तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, औरतें भी वाइब्रेटर लगा के करते तो अच्छा होगा एक्साइटमेंट, और औरतों ने जब कुछ डालते हैं अंदर तो वो साफ सुथरा होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तभी उसको अंदर डालने का, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सब का पालन करते तो हस्तमैथुन इन शॉर्ट कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर सावधानी बरतनी चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर हस्तमैथुन ठीक है। अदरवाइज उसके साइड इफेक्ट्स यदि आप देखते हैं और साइड इफेक्ट्स से बचते हैं, केयरफुली करते तो प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, क्योंकि आधी जनता जब हस्तमैथुन कर रही है और उसमें के आधे लोग गिल्ट के शिकार है कि भाई मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो नेचुरली ये वीडियो लोगों को एजुकेट करेगा। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैलाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज, ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।